जय श्रीमन्नारायण दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। ईश्वर से यही कामना है कि आपके घर की सुख शांति और समृद्धि सदा ही बनी रहे और भगवान का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वास्तु के अनुसार कुछ फोटोज़, कुछ चित्र और कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो कि घर में बरकत लाने का काम करती हैं, वहीं कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो कि अशुभ मानी जाती हैं और इन्हें लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। घर बनाते समय या फिर इसकी सजावट करते समय वास्तु के कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। वास्तु के अनुसार कुछ खास तरीके के चित्र और तस्वीरें घर में बरकत लाने का काम करती हैं, वहीं कुछ तस्वीरें जैसे कि मैंने कहा अशुभ मानी जाती हैं और जिन्हें घर में लगाने से नकारात्मक शक्तियां जो हैं वो घर में प्रवेश करती हैं, उनका घर में वास हो जाता है। और घर में इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। उसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो है ताजमहल की फ़ोटो का। कई लोग प्यार के प्रतीक के तौर पर घर में ताजमहल की फ़ोटो या फिर शोपीस लगाते हैं, जबकि वो एक मकबरा है। घर में ताजमहल की फ़ोटो लगाना बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार जिस घर में ताजमहल की फोटो लगी रहती है वहां नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दूसरी है महाभारत की तस्वीर। जी हाँ, घर में कोई भी ऐसी तस्वीर कतई भी नहीं लगानी चाहिए जिसमें युद्ध और हिंसा दिखाई दे। यही वजह है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है। जिस घर में महाभारत की तस्वीर होती है वहां परिवार के सदस्यों के बीच में हमेशा ही मन मुटाव बना रहता है, उनमें कभी भी तालमेल नहीं बन पाता है। तीसरी चीज है डूबती चीजों की तस्वीर। जी हाँ, घर में ऐसी तस्वीरें लगाने से बचें जिसमें कोई चीज़ डूबती हुई नजर आ रही हो, जैसे कि डूबता हुआ जहाज, डूबती हुई नाव या फिर जहाज अच्छे संकेत नहीं देते। इस तरीके की तस्वीरें घर के सदस्यों के मन में उदासी लाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। चौथी चीज है जंगली जानवरों की तस्वीर। जी हाँ, जंगली जानवरों की तस्वीर लगाने से भी बचना चाहिए। ऐसी तस्वीरें घर में हिंसा बढ़ाने का काम करती हैं और जिस घर में ऐसी तस्वीरें होती हैं वहाँ हर समय घर में अशांति और कलह बनी रहती है। इस घर के सदस्यों का जो व्यवहार है वो भी हिंसक हो जाता है। पांचवी चीज है झरने की फोटो। वास्तु के अनुसार झरने की तस्वीर का जो प्रभाव है वो घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और कहा जाता है कि बहते पानी की तरह पैसा भी घर से बाहर की तरफ जाने लगता है और घर में बहुत आर्थिक फिजूल खर्ची बढ़ जाती है। छठी चीज है जिसको आपको घर में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, घर के मंदिर में भी नहीं रखना चाहिए, वो है भगवान के रोद रूप की फोटो, जैसे कि शिवजी भगवान की नटराज की फोटो और दुर्गा माता की काली माता वाली फोटो। ये भगवान के रोद रूप हैं और इनको भी आपको घर में रखने से बचना चाहिए। इसके अलावा आप भगवान की सौम्य रूप वाली फोटो मंदिर में या फिर अपने घर में अपने घर की दीवारों पर लगा सकते हैं। ये जानकारी यहीं तक ही, उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि समय समय पर आपके पास हमारी नई नई वीडियोज, नई नई जानकारियाँ इसी तरीके से पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन्नारायण दोस्तों।